हेलो गाइस, अभी मैं बात करने वाला हूँ नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में। अगर गाइस आपने भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है या फिर एडमिशन लेने वाले हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि इस बार अभी तक नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इंटर वालों को ही एग्ज़ाम लिया है और जितने भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं उनका ही एग्ज़ाम लिया है। और बाकी बात जितना भी कोर्स है होता है इससे, जैसे मान लो BA, MA, MCOM, MSc, तो ये सब का मतलब अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिया है और ना ही अभी तक डेट आया है। हालांकि अगर मैं BA पार्ट 3 की बात करूं तो BA पार्ट 3 का एग्ज़ाम जनवरी में हो जाना होता है और BA पार्ट 2 का फरवरी में हो जाता है और BA पार्ट 1 का मार्च में होता है। ओके, लेकिन अभी हमें यहाँ देखने को क्या मिल रहा है कि अभी तक कोई भी न्यूज़ नहीं आया है कि ये सब का एग्ज़ाम कब होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इंटर का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है और ऑल सर्टिफिकेट कोर्स में, जैसे मान लो CLIS और CCNA को छोड़कर सबका एग्ज़ाम हुआ, ठीक ना। तो अब इसका कारण क्या है कि इतना लेट हो रहा है, और इसका कारण जानेंगे अभी और ये जानेंगे कि कितना लेट तक होगा और कब तक लगभग हो सकता है। एक्चुअली इसका कारण ये है दोस्तों कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पे कुछ ज़्यादा भार आ गया है। वो भार इसलिए आया है क्योंकि सभी लोग जानते होंगे, इसमें जो भी पढ़ते होंगे, कि ये जो अपना एग्ज़ाम लेती है ये एकदम अनुशासित ढंग से लेती है और ज़्यादा हार्ड लेती है, मतलब इसमें कदाचार तो होता ही नहीं है। तो बिहार ने क्या किया, मतलब बिहार के द्वारा जो BA होता है इसका भार भी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पे ही है, तो कुछ काम बढ़ गया है इसके कारण ये थोड़ा सा लेट हो रहा है। आप निश्चित रहो, ज़्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि ये ओपन यूनिवर्सिटी है। ओपन यूनिवर्सिटी का काम ही होता है कि आपको समय पे सारा कोर्स करा दे और जितना ड्यूरेशन का कोर्स है उस ड्यूरेशन में उसको कंप्लीट कर दे। और गाइस करेगा कंप्लीट, क्योंकि नहीं करेगा तो इस पे केस भी हो सकता है। ओके, तो जैसे मान लो BA 3S का है तो ये कंप्लीट होगा। अब बात आती है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो लगभग कब तक होगा। तो अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम आई थिंक ये मार्च के लास्ट में हो जाना चाहिए। और पार्ट 2 के एग्ज़ाम की बात करूं तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम भी अप्रैल स्टार्टिंग में हो जाना चाहिए और पार्ट 1 का एग्ज़ाम भी अप्रैल में ही हो जाना चाहिए, यानी मार्च से अप्रैल तक में आप लोग का एग्ज़ाम हो सकता है। तो गाइज लास्ट जो मैं पॉइंट बताने वाला हूँ, ये पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है। ये पॉइंट ये है कि अभी तक जो है बहुत स्टूडेंट को काफ़ी बुक नहीं मिले हैं। जैसे मान लो मैं अगर पार्ट 2 में हूँ, मैं BA पार्ट 2 में हूँ हिंदी ऑनर्स से, तो मुझे RV हिंदी बुक नहीं मिला है, जो कि 100 मार्क्स का हिंदी होता है। तो 100 मार्क्स का जो हिंदी होता है वो सबों के लिए होता है, जनरल पेपर होता है। तो 100 मार्क्स का हिंदी का जो बुक होता है वो अभी तक मुझे नहीं मिला है। और एक बार मैं विजिट करने उधर गया था कि मैं देख लेता हूँ, अगर आया होगा बुक तो ले लूँगा, मैं स्लिप लेके गया था। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि जब भी बुक आएगा ना तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा आपके फ़ोन पे, तब आप बुक लेने आना। तो सबसे बड़ा पॉइंट गाइस ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट को बुक नहीं मिला है। जब तक बुक आपको प्रोवाइड नहीं करता है वो, तो वो एग्ज़ाम कैसे लेगा। अगर एग्ज़ाम ले भी लेगा तो आप लोग क्या लिखोगे, क्योंकि इसका गेस्ट पेपर भी तो नहीं मिलता है जो आप गेस्ट पेपर से भी पढ़ सकते हो। सिर्फ बुक मिलता है, बुक ही प्रोवाइड कराती है यूनिवर्सिटी, और उसी को आपको पढ़ना है और उसी से आपको एग्ज़ाम देना है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि ये जानकारी आप लोग के लिए महत्वपूर्ण रही होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग जितने भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे या जो भी मेरा अनुमान होगा मैं आपको समय पे बताता रहूँगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।